हाय फ्रेंड्स, एसबीआई कलर प्री एग्जामिनेशन जो आपकी नेक्स्ट मंथ में टेंटेटिव शेड्यूल है, अगर इफ एवरीथिंग इज ऑल गुड, क्या करना है हमें इस एसबीआई कलर के प्री एग्जामिनेशन के लिए? आखिर हम वो कौन सा ट्रिक यूज करें, कौन से मेथड की यूज करें सो डेट जो हमारी मार्क्स हो वो मोर देन 70 हो। एक तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैं इस स्टेट से आता हूँ, मैं इस स्टेट से आती हूँ, तो मेरे लिए प्री एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या होगा? तो कट ऑफ यहाँ से मेरे द्वारा एग्जामिनेशन करना सही नहीं है। इसका ऐसे मोर ओवर आप ये मान के चलें कि 70-75 प्लस अगर हैं तो आप एक सेफ साइड में अपने आप को रख सकते हैं। मैं यहाँ भी श्योर शॉट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी 70-75 प्लस हैं तो आप अपने आप को मेन्स एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन तीन आपके सिलेबस हैं, इस तीन सिलेबस में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 35 मार्क्स रीजनिंग, 35 मार्क्स मैथ्स एंड 30 मार्क्स इंग्लिश की है। 20 मिनट्स का समय आपके पास पर सेक्शन है, कहने का मतलब एक घंटा आपके पास है। क्या करें ताकि इस 35 मार्क्स ऑफ मैथ्स में एटलीस्ट 25 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, है ना? क्योंकि आपको अगर 75 आप अगर देख रहे हैं कि आउट ऑफ 100 मुझे 75 मार्क्स चाहिए, एनी हाउ वो आपको चाहिए ही चाहिए अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए। तो 20 मिनट में आपको मैथ्स में 25 मार्क्स, रीजनिंग में भी 25 मार्क्स के अराउंड, और 25 मार्क्स अगर आप इंग्लिश में लाते हैं तो ही यहाँ तक देख सकते हैं। बट 25 मार्क्स इंग्लिश में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस कारण से माय फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सलेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन में 25 मार्क्स लाना टफ है। तो यहाँ पे आप मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से आपको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? तो मैथ्स में जहाँ पे आपके क्वेश्चन प्री के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज श्योर शॉट रहता है, वहाँ पे ध्यान दें। जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन है या सिंपलीफिकेशन है वो रहेगा ही, वहाँ पे ध्यान दें। जो डीआई है वो आपके एक रहेंगे, मीन्स 5 मार्क्स के रहेंगे, तो वहाँ पे आप ध्यान दें, है ना? न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी आपके रहते हैं। तो एक बार जब इस समय आप प्रैक्टिस करते हैं उस समय देख लें कि जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आप कौन से सेक्शन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या आप सीआई एसआई बना पाते हैं, क्या आप पार्टनरशिप बना पाते हैं, या फिर आप टाइमिंग वर्क बना पाते हैं? तो जो आप प्रैक्टिस में बना पाते हैं वही वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 20 मिनट्स में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इस कारण से मेरा पहला एडवाइस यही है कि आज से लेके प्री एग्जामिनेशन तक हर एक दिन आप ऑनलाइन प्रैक्टिस देंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, सेट को सॉल्व करेंगे, उसमें अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आपके मार्क्स 70 प्लस हैं या नहीं। अगर नहीं है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं वो आप काम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को छोड़ने का ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए कि इस 35 में से कौन सा वो 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है जिसको आप स्किप कर दें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको आपके प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो मेरा पहला एडवाइस तो यही होगा कि हर एक दिन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इस पैंडेमिक में कि आप बाहर जा सकते हैं, ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ के आप सेट सॉल्व कर सकते हैं, तो द ओनली वन ऑप्शन यू ऑल हैव इज ऑनलाइन। जो आपकी प्री एग्जामिनेशन की जो सेट अवेलेबल है उसको आप सॉल्व करें। 20 मिनट्स में देखें कितना ज़्यादा आप एक्सलेट कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस में मार्क्स 70 प्लस आने चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होने चाहिए। रीजनिंग में आप देखें, क्योंकि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये ऐसे दो सब्जेक्ट हो गए हैं, ये ऐसे दो पिलर हो गए हैं, जो 35 मार्क्स की अगर बात करूं तो 25 मार्क्स आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, है ना? तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कौन से पजल को आपको स्किप करना है, कौन सा एक पजल आपको छोड़ना है जो डिफिकल्ट आपको लगेगा, कौन सा एक सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखते ही सॉल्व करना है, क्या वो फ्लोर बेस्ड पजल आपके पास पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आपसे पूछा जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा है, इनसाइड आउटसाइड दोनों मिक्स करके आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे से आप पूछो सर क्या करें आखिर इस 30 दिनों में जो हमारी प्री एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, क्या करें? तो मेरा पहला एडवाइस यही रहेगा कि किसी ऑनलाइन सेट से आप प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, उसका इवैल्यूएशन करें कि आपके 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन बने हैं तो आखिर 50 क्यों नहीं बने उस इन द मीन टाइम। तो उसका इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा इवैल्यूएट करेंगे अपने आप को, जितना ज़्यादा अपने स्पीड को आप फास्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप रखेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म आप प्री एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। इंग्लिश की जहाँ तक बात है,
इंग्लिश में आपको पैसेज रहेंगे, वो आपको देखते ही सॉल्व करना है। जो फिलर होंगे, जो रीअरेंजमेंट होंगे, क्लोज टेस्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अगर मार्क्स 20 प्लस आपके हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, है? तो इंग्लिश को आप दरकिनार किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे, क्योंकि 20 मिनट्स के लिए आपके पास इंग्लिश भी है। वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है कि इंग्लिश हमारे हमें नहीं आता या इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है तो मैथ और रीजनिंग बना लें। इस कारण से इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल यू फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये तो मेरी दूसरी या तीसरी एडवाइस आप लोगों के लिए प्री एग्जामिनेशन के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो फिर से प्री एग्जामिनेशन पे ही मैं बनाऊंगा, उसके बाद हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि हमारी मेंस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। बट प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज इवेल्युएशन ऑफ योर सेट, कि कौन से क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, कौन से ट्रिक को हम अगर यूज करते तो वहाँ पे आपके 2 सेकंड बच सकते थे। तो इवेल्युएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रदर देन सॉल्विंग सेट ऑनलाइन, राइट? तो ऑल द बेस्ट। अगर इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को सॉल्व करने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।